नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष दिशा सत्य की राह देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज चर्चा जया एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जो आपको हर जगह पर जीत दिलाती है। आज का उपाय हम ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर समर्पित करेंगे जो लोग किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं। वो आज भगवान विष्णु की कृपा से अपने इस प्रकार के केसेस में जीत हासिल करेंगे। अगर आज आपकी तारीख है तो समझ लीजिए कि आज का उपाय आपके लिए महौषधि का काम करेगा, बहुत बड़े दवा का काम करेगा। आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हम देते हैं इस मंच पर, यहाँ पर, कि किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं बहुत आसान सा, घर में बैठे बैठे। तो आज जया एकादशी स्पेशल कार्यक्रम है आप सबके लिए। हर राशि के लिए एक विशेष उपाय हम बताएंगे इस खास मौके को भुनाने के लिए। आइए शुरुआत आज के ज्योतिष दिशा की करते हैं। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग, माघ शुक्ल एकादशी शाम 6:04 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि का उदय, चंद्रमा मिथुन में, नक्षत्र दोपहर 12:29 तक आर्द्रा है, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है, योग रहेगा आयुष्मान। तदनुसार दिनांक 23 फरवरी दिन मंगलवार, मंगलवार को राहु काल दोपहर 3:04 तक होता है, जो अशुभ समय माना जाता है। लेकिन गोलिक काल ठीक वहीं पर दोपहर 12:30 तक, जब आप जो चाहें करें काम आपके जरूर बन जाएंगे। मित्रों, आज जया एकादशी स्पेशल का उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरह से तंत्र आदि का प्रभाव है, किया धरा का प्रभाव है, कुछ इस तरह का दोष आपको लगा है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है जब आप ऐसे दोषों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। आप 21 मार्च से 28 मार्च होलाष्टक महानुष्ठान में हिस्सा ले लीजिए। कैसे होलाष्टक में हिस्सा ले सकते हैं, क्या उसके लिए नियम है, कैसे, क्या कंडीशंस हैं, नियम शर्त क्या है, इसके लिए आपको जो हमारे कार्यालय के नंबर हैं इस पर आपको एक बार व्हाट्सअप करना होगा और जानकारी मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं अब आज के कार्यक्रम की, आज की भविष्यवाणी की। मेष राशि, पढ़ाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, शिक्षा में कोई दोष नहीं है, पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में आज बड़े फैसले भी सकारात्मक होंगे। व्यापार आपके लिए ठीक नहीं है, बिजनेस में कुछ मेजर इशू आएंगे, व्यापारिक रूप से आज कुछ नुकसान उठा सकते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर। मेष राशि 23 फरवरी मंगलवार, नौकरी में उठापटक रहेगा, नौकरी किसी न किसी रूप में आज आपके हाथ से निकल सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, कोई पुराना मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में। आज दाम्पत्य जीवन में उलझन है, पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति रहेगी, थोड़ा सोच समझ कर सतर्कता के साथ कदम बढ़ाइएगा। लव लाइफ आपके लिए बहुत अनुकूल है, हर प्रकार से सकारात्मक रहेगा, लव लाइफ में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है जहां से आपको उलझन हो। दाम्पत्य जीवन आपके लिए मुश्किल भरा है, दाम्पत्य जीवन की स्थिति कहीं से भी सकारात्मक नहीं है, एक जगह पर अगर आप ससुराल वालों का हस्तक्षेप लेंगे, बाकी लव लाइफ बता ही दिया है। स्वास्थ्य के मामले में कमर में दर्द और माइग्रेन की शिकायत रहेगी आज। प्रयोग क्या करना चाहिए आज, जया एकादशी स्पेशल प्रयोग, दूध और हल्दी उल्टी हथेली पर रख लीजिए और किसी पौधे के नीचे रखते हुए 3 ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए। क्या नहीं करना है, आज काला रंग नहीं पहनना है, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि, मन बहुत प्रसन्नचित रहेगा, शिक्षा बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं है, व्यापार आपके लिए बहुत मुश्किल भरा है, बिजनेस की स्थिति कहीं से भी पक्ष में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत सकारात्मक रहेगा, परेशानियों का अंत होगा, प्राइवेट सेक्टर में आज प्रमोशन हो सकता है। आज सरकारी क्षेत्र में उलझने रहेंगी, लेन देन सावधानी से करें, बॉस के साथ विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, बच्चों की खुशी आज देखने को मिलेगी, पति पत्नी भी अच्छे से रहेंगे, लेकिन लव लाइफ में उलझने हैं, कुछ एक दूसरे के प्रति चुगली आज न जाने क्यों किससे करेंगे आप। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, पेट की दिक्कत ठीक हो जाएगी और बैक की प्रॉब्लम से भी आज मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के लिए उपाय क्या करना चाहिए, जया एकादशी स्पेशल प्रयोग आपके लिए आज, तुलसी के नीचे एक घी का दीपक अपने हाथ से सुबह स्नान के बाद जला दीजिएगा,
क्या नहीं करना है, दूसरों से झूठ नहीं बोलना है। सफेद रंग शुभ है, 58% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, मन बहुत सकारात्मक रहेगा, मन बहुत शुभ रहेगा आज, पढ़ाई अच्छी करेंगे, व्यापार में आई बदलाव की स्थिति, बिजनेस की स्थिति सब तरह से ठीक हो जाएगी, व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे आप। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा करेगा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत सकारात्मक होगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र कहीं से भी ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में उलझने बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत सकारात्मक है, पत्नी पति के बीच में आज स्थिति सब कुछ सामान्य रहेगी, और अगर पहले से कुछ विवाद की स्थिति थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आज का दिन लव लाइफ में नए सुझाव का है, अगर कोई आपको सलाह देता है ऐसे नहीं ऐसे करें तो आप मान जाइएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन, दांत की समस्या और पैनक्रियाज से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है शुगर पेशेंट्स को। प्रयोग क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को, आज जया एकादशी स्पेशल, नाभि पर 3 बार हल्दी का तिलक लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। क्या नहीं करना है, आज लाल रंग नहीं पहनना है। नीले रंग की शुभता है, 50% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, दिनांक 23 फरवरी, आज माँ भगवती की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई दोष नहीं है, व्यापार में आई उठापटक से आप मुक्ति पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता मिलेगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र को लेकर के आज बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आज शिकायतें मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझने में आज सहायता मिलेगी, लव लाइफ में कुछ उलझने थी जो आज दोपहर के बाद दूर हो जाएंगी, शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर में दर्द की शिकायत, घुटने से संबंधित दिक्कत और कुछ थोड़ा बहुत दांत की समस्या हो सकती है। जया एकादशी स्पेशल, कर्क राशि, प्रयोग हल्दी और चीनी दोनों चीज़ें मिक्स करके गौ माता को खिलाना शुभ होगा। क्या नहीं करना है, आज खुद को कम नहीं आंकना है। बादामी रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। 23 फरवरी मंगलवार, सिंह राशि, शिक्षा आज बहुत अनुकूल स्थिति में है, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में धन का लाभ दिखाई देता है, कुछ बड़ा टेंडर वगैरह हाथ लग सकता है। आज प्राइवेट सेक्टर में वाहन से चोट चपेट की संभावना है, काम में मन कम लगेगा, कुछ व्यक्तिगत मसले आज उलझाए रखेंगे, दाम्पत्य जीवन बताएंगे हम। सरकारी क्षेत्र में आज प्रमोशन के लिए आप पैरवी कर सकते हैं, बॉस प्रसन्न रहेंगे, धन का लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उलझेगा दोपहर तक, दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में हैं, कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम आज बना सकते हैं। लव लाइफ के मामले में स्थिति पक्ष में है, आज नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं, कुछ बहुत सकारात्मक स्थिति आपके साथ जुड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट लीवर की दिक्कत हो सकती है, सिंह राशि के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए, जया एकादशी स्पेशल, आंवले के जूस से शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज सलाह नहीं देना है। भूरा रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, दिन थोड़ा सा तनाव में है, पढ़ाई कम हो पाएगी, शिक्षा में दिक्कत आएगी, शिक्षा क्षेत्र में बाधाएं हैं, व्यापार हर तरह से मुक्ति देगा, बिजनेस की स्थिति बहुत सकारात्मक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कुछ परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की स्थिति, नौकरी में मन नहीं लगेगा, आज कहीं अन्यत्र अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र क्या पूछना है, बॉस भी प्रसन्न है, काम में मन लगेगा, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में, दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ है, बच्चों का बहुत लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों को किसी मैरिड लाइफ में किसी बड़ी उलझन से आज मुक्ति की संभावनाएं दिखेंगी। कन्या राशि, लव लाइफ, यहां पर मामला आपके हाथ से बाहर जा रहा है, लव लाइफ की स्थिति हर प्रकार से शुभ है, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और अब स्वास्थ्य, आंख सोल्जर्स में पेन, कुछ घुटनों की तकलीफ, शुगर आज कंट्रोल रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए, जया एकादशी स्पेशल, आज चने की दाल और हल्दी अलग अलग मात्रा में अलग अलग बर्तन में लेकर किसी ब्राह्मण को देना शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले आज क्या ना करें, आज उधार नहीं देना है। पीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, 23 फरवरी मंगलवार,
पढ़ाई आज बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई अवरोध कोई रुकावट दूर दूर तक नहीं, व्यापार अच्छा चलेगा, बड़े टेंडर मिल सकते हैं, कुछ रुके काम बन जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन ले सकते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास सफल होगा। सरकारी क्षेत्र में उलझने हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, बॉस के साथ विवाद होगा, कलीग्स कुछ शिकायत कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सो है, आज दूरी दूरी सी रहेगी, खिंचाव रहेगा और किसी पुरानी बात पर बहस गर्म हो सकता है, दोपहर को फ़ोन ना करें तो बेहतर है। लव लाइफ अनुकूल है, परिस्थितियां पक्ष में हैं, शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज तुला राशि वालों को लगेगा कि हाँ स्वस्थ हैं, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, स्वास्थ्य में बेहतर खुशखबरी मिलेगी। जया एकादशी स्पेशल प्रयोग क्या करना चाहिए, आज हल्दी वाला दूध प्रातःकाल 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते हुए सेवन कर लीजिएगा। दूध की मात्रा, आप बहुत लोगों को दूध परहेज वगैरह रहता है, जैसे यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो ऐसे लोग प्रसाद रूप में 1 चम्मच दूध ले सकते हैं थोड़ी सी हल्दी डालकर। क्या नहीं करना तुला वालों को, आज सफ़ेद रंग नहीं पहनना है, ब्लैक कलर शुभ होगा आज, 57% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा आज, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, शिक्षा में दोष है, व्यापार लेकिन अच्छा करेंगे, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है, व्यापारिक मजबूती बल्कि आ जाएगी आज, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव पैदा कर रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर वाले उलझेंगे बहुत ज़्यादा। सरकारी क्षेत्र में हर प्रकार की शुभता, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत स्मूथ वे में बहुत ऊँचाई तक जाएगा, दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, शुभ स्थिति में आएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, लव लाइफ आपके लिए उलझाएगा, लव लाइफ को लेकर के बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट लीवर और आँख की समस्या हो सकती है, प्रयोग क्या करना चाहिए आज वृश्चिक राशि वालों को, आज रिंग फिंगर से हल्दी का तिलक मस्तक पे करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का ध्यान करके मंत्र का जाप करना है। क्या नहीं करना है वृश्चिक वालों को, आज दूसरों से उलझना नहीं है, क्रीम रंग की शुभता है, 66% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, थोड़ी मुश्किल वाले समय में आज आएंगे आप, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी, शिक्षा में बहुत उठापटक होगा, व्यापार अद्भुत है अनोखा है, बिजनेस में कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ी सी इधर उधर की स्थिति में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा मुश्किलें पैदा करेगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थिति में है, गवर्नमेंट सेक्टर कोई रुकावट नहीं, दाम्पत्य जीवन बहुत पेट में दर्द कराएगा, पूछिए कैसे, आज कोई पुरानी बात एकदम से बाहर आएगी और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन लव लाइफ कहीं से डिस्टर्बेंस में नहीं है, शादी की चर्चा कर सकते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लोग आपके साथ रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हार्ट की दिक्कत थोड़ा बहुत, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर प्लस माइनस, शुगर, किडनी, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रयोग क्या करना चाहिए आज जया एकादशी स्पेशल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक पीले धागे में हल्दी लगाकर और घर से दक्षिण दिशा में कहीं रख दीजिए, किसी भी पौधे उधे के नीचे। क्या नहीं करना है धनुराशि वालों, आज अपने राज रिवील नहीं करने हैं, बताने नहीं, नीला रंग शुभ है, 49% का भाग्य आपके साथ है। दिनांक 23 फरवरी, दिन मंगलवार, मकर राशि, पढ़ाई में आज माहौल आपके फेवर में है, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, कुछ विशेष उपलब्धि मिलेगी आपको, व्यापार थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बिजनेस को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है, प्राइवेट सेक्टर कुछ मुश्किलें पैदा करेगा, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के कुछ परेशानी मेजर इशू आ सकते हैं, सरकारी क्षेत्र विलक्षण है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी, एक दूसरे को समझेंगे, झगड़ों से बाहर निकलेंगे, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा, लव लाइफ में उलझने रहेंगे, आज ब्रेकअप की स्थिति आ सकती है, बिल्कुल समझदारी से काम नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में आज माइग्रेन और आँखों की समस्या हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। जया एकादशी स्पेशल प्रयोग, हल्दी और गुलाब का एक पुष्प कहीं राम मंदिर कृष्ण मंदिर विष्णु अवतार के मंदिरों में कहीं रख सकते हैं। क्या नहीं करना है,
आज दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। गुलाबी रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। अगली राशि कुंभ, मामला आपके हाथ में है, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, स्थिति पक्ष में रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत परिस्थितियों में सकारात्मक रहेगा, सरकारी क्षेत्र कहीं से भी ठीक नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मेजर इशू आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन क्या पूछना है, स्थिति आपके पक्ष में है, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, दाम्पत्य जीवन बहुत सकारात्मक है। लव लाइफ उलझा हुआ है, आज बिल्कुल समझदारी से काम नहीं चलेगा, हर तरह से झगड़ा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना है कुंभ राशि वालों को, आज जया एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। क्या नहीं करना है, आज काला रंग नहीं पहनना है। लाल रंग की शुभता है, 51% का भाग्य आपके साथ। अंतिम राशि मीन, 23 फरवरी मंगलवार। पढ़ाई बहुत अच्छे माहौल में करेंगे, शिक्षा के लिए दिन बहुत अच्छा है, फॉर्म वगैरह भी आज डाल सकते हैं आप। व्यापार प्रभावित होगा, बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है, बिजनेस में कोई हस्तक्षेप करके परेशान कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ उलझने दिक्कत देंगे। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, कोई मेजर इशू दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, संतान का लाभ हो रहा है, आज डिलीवरी बहुत पॉजिटिव रहेगी अगर कोई महिला मीन राशि की आज बच्चे को जन्म देती है। आज का दिन लव लाइफ में थोड़ा सा परेशानी वाला है, समझदारी से काम लेना होगा तो शाम अच्छा बीत जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। आज जया एकादशी स्पेशल प्रयोग के तौर पर दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा शाम तक के लिए बांध लीजिए, 7 बजे खोल दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर अवॉइड करना है। सफ़ेद रंग की शुभता है, 60% का भाग्य आपके साथ है। आगे बताएंगे 23 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए क्या खास उपाय है और 23 फरवरी को जिसकी शादी की सालगिरह है उसके लिए क्या उपाय है, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। बात कर लेते हैं आज के भाग्य अक्षर की। मेष, च अक्षर वृषभ, फ मिथुन, भ अक्षर कर्क, व सिंह, क अक्षर कन्या, त तुला, स अक्षर वृश्चिक, ल धनु, छ अक्षर मकर, ग कुंभ, र अक्षर मीन, प ये आपके अपने शुभ भाग्य अक्षर है। इन्हें सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के इंक की कलम से लिखकर अपने पास रखना होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं अब आज के सक्सेस की। एक चुटकी नमक पिसा हुआ किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा, काम पूरा है। अब आयुष्मान भव, 3 लोगों को एक बार खाना खिला दीजिए, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी हो, और कुछ वस्त्र का दान कर दीजिए, अंगोछा कुर्ता धोती ब्राह्मण को कर सकते हैं। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, 3 लोगों को भोजन करा के 2 बच्चों की शिक्षा में मदद करना बहुत शुभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत बनाए रखिए, हमें अनुमति दीजिएगा। लेकिन आपको पुनः बता देते हैं कि होलाष्टक 21 मार्च से 28 मार्च महातंत्र अनुष्ठान, महातंत्र साधना किसी के लिए भी। अगर कहीं से भी आपको ऊपरी के सिम्टम्स लगते हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा और तुरंत एक क्षण बिना गवाए प्रयास करिए मिलने का, या फिर बुकिंग करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अनुमति चाहेंगे। आपके परम पावन दिन की मंगल कामना करते हैं। नमस्कार, श्री राधे।